Driver's involved, Sharma. Morning, Father. Good morning. मेरा नाम नरेश दत्त है, मैं बंबई से आया हूँ। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Please take your seat. Thank you. Father, आपके स्कूल में एक लड़का पढ़ता है, जिसका नाम है सुमित राय। ओह, आप मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सुनीता देवी के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, सुमित के फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। I see. जिन्होंने शराब पीकर चलती गाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जी, उसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, कलकत्ता आकर मालूम पड़ा। क्या मैं सुमित से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो आपसे मिलेगा नहीं। क्यों? मिस्टर दत्त, 6-7 साल से मैं उस लड़के को देख रहा हूँ। मैंने आज तक उसके मुंह पर हंसी नहीं देखी। मैंने जिंदगी में बहुत से बच्चे देखे हैं, मगर सुमित के चेहरे पर दुख और गम की जो छाया देख रहा हूँ, ऐसी कभी नहीं देखी। जब स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, सारे लड़के घर जाने की खुशी में नाच उठते हैं, मगर मैंने सुना है छुट्टियों के दरमियान उसकी माँ शूटिंग करने के लिए कहीं बाहर चली जाती है। एक आध बार उसके फादर का कोई एक दोस्त मिस्टर मल्लिक। जी हाँ, रंजीत मल्लिक, वो उसे लेने आया था, मगर सुमित ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। उसकी माँ उससे कभी मिलने नहीं आई? हाँ, एक आध बार आई थी, मगर मैं खबर भेजता हूँ। सुनो, सुमित राय को बुला लो, उसे कहो उसके फादर के एक दोस्त उससे मिलना चाहते हैं, बंबई से आए हैं। अच्छा सर। आइए मिस्टर दत्त, ऊपर चलकर बैठते हैं। सुमित बाबा, आपको फादर साहब बुला रहा है, आपको कोई साहब मिलने आया, आपके पिताजी का दोस्त है। मुझे नहीं मिलना है। वो साहब बंबई से आए हैं। बंबई से? हाँ। मिस्टर दत्त, मुझे किसी के घरेलू मामले में बात करनी नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है उसके फादर की डेथ के पीछे कोई मिस्ट्री है। जी, मुझे ठीक से मालूम नहीं। गुड मॉर्निंग फादर। अपने दोस्त के बेटे से? जी हाँ। कैसी लगी ये मुलाकात 6-7 साल के बाद? जी, मैं उसके लिए चॉकलेट लाया था, मिठुन को चॉकलेट, मेरा मतलब सुमित को चॉकलेट बहुत पसंद है। मिस्टर दत्त, देखने में आप काफी रईस लगते हैं। जी हाँ, किस्मत ने मुझे काफी दौलत दी है। इसीलिए आप अपने दोस्त के बेटे के लिए 40 पैसे की एक मामूली सी चॉकलेट ले आए? जी, दरअसल बात यह है कि इसके डैडी हमेशा कहा करते थे कि इसे ये चॉकलेट खास तौर से पसंद है। फादर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इसके फादर की डेथ
इस तरह हो सकती थी। अगर मैं ये कहूं सुमित के डैडी की मौत नहीं हुई, वो अभी जिंदा हैं? जी जी हाँ, और इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। मिस्टर दत्त, मैंने बहुत जिंदगी देखी है, आप मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। आज मैंने पहली बार सुमित के चेहरे पर खुशी की झलक देखी है, और यह झलक लाने वाला बाप का दोस्त नहीं हो सकता, सिर्फ बाप ही हो सकता है।